बालक की मृत्यु कदाचित मेरे ही हाथों नियत है। बालक मेरे इस विकराल रूप से भयाक्रांत तो नहीं हो गए ना? काल हूं मैं तुम्हारा काल। युद्ध से कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा है मुझे, किंतु मेरा आप पर प्रहार करना अनिवार्य है नंदी जी। यदि महाराज वीरमणि अहंकार में आकर प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने एवं महादेव का आह्वान करने की भूल ना करते तो कदाचित इस युद्ध को टाला जा सकता था, किंतु अब राम काज को पूर्ण करने के लिए हनुमान इस संकट का सामना करने के लिए तत्पर है। अब और क्रीड़ा नहीं, अंत करूंगा मैं तुम दोनों का अंत। अद्भुत है इस बालक का साहस, किंतु मेरी असाधारण शक्ति अब इसका भी संहार करेगी। तुम्हारे ये बाण मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते बालक, किंतु मेरे प्रहार से तुम्हारा बचाव असंभव है। ये कैसा अनर्थ हो गया प्रभु, पुष्कल भी आहत हो गया। जिस प्रकार बाल्यकाल में वायु देव ने मुझे रक्षित किया था, उसी प्रकार से मुझे पुष्कल को भी रक्षित करना चाहिए।
आपके कारण अनेकों बार मैंने आपकी अवमानना की। मुझे क्षमा कर दीजिए। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्रोध पर नियंत्रण रखना, अहंकार को त्यजना, अपने दायित्वों के प्रति अधिक जागरूक होना। इन सभी सीखों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। पुष्कल, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। उठो पुष्कल, उठो। पुष्कल, शत्रुघ्न और संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। ये कैसे हो गया प्रभु? मैं अपना वचन नहीं निभा सका। फल हो गया आपका हनुमान। राजकुमार शत्रुघ्न और पुष्कल की रक्षा नहीं कर सका मैं। पुष्कल उठो, उठो पुष्कल। हो तुम? हाँ, दुआ उसान न करो। महादेव से उत्पन्न महावीर वीरभद्र का प्रभु श्री राम के अनुज और उनके भतीजे को क्षति पहुंचाकर तुमने उन दोनों को नहीं मुझे क्षति पहुंचाई है। मुझे उस हनुमान को जिसे उनकी सुरक्षा का दायित्व दिया था मेरे प्रभु ने, उनको आहत होते देख मेरे प्रभु श्री राम को अत्यंत कष्ट हुआ होगा, जिसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। तो फिर किस सोच विचार में पड़े हो? आओ युद्ध करो मुझसे, उस महारथी से जिसका जन्म ही रुद्र अवतार महादेव की जटाओं से हुआ है। यदि तुमने भोले बाबा की जटाओं से जन्म लिया है तो मैं भी रुद्रांश हूं। मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट दिया है तुमने वीरभद्र, जिसका तुम्हें उचित दंड देगा ये राम भक्त हनुमान। इतना विश्वास है अपनी शक्ति पर हनुमान? तू आओ सामना करो मेरा,
सकता हूँ सामना करूँ। एक भयंकर महायुद्ध का आरंभ है ये। मेरे प्राण तुम्हारे प्राण हर लेंगे हनुमान, तुम्हारे हृदय को अपना आहार बनाऊंगा मैं। सुना है वानर का हृदय बहुत स्वादिष्ट होता है। जिस हृदय में प्रभु श्री राम का वास हो उसको पाना तो दूर, तुम उसके निकट भी नहीं पहुंच सकोगे वीरभद्र। महाबली महायोद्धा हो तुम हनुमान, किंतु मुझसे टकरा कर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। भक्त की भक्ति और धर्म की शक्ति भूल नहीं हो सकती वीरभद्र। तुम्हारे प्रत्येक अस्त्र का सामना करूंगा मैं वीरभद्र, किंतु प्रभु श्री राम के कार्य को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। इस भ्रम में मत रहो हनुमान, लो सहो मेरा प्रहार। दो महायोद्धाओं के मध्य ऐसा भीषण युद्ध कभी किसी ने ना देखा होगा। हाँ देवराज, साहस बल और क्षमता में एक समान ही प्रतीत हो रहे हैं दोनों। सत्य, दोनों ही रुद्र के अंश, किंतु इस युद्ध का महाविनाशक परिणाम की चिंता सता रही है मुझे। मुझे प्रभु के भतीजे का वधिक दिखाई दे रहा है, जिसे मैं मसल के रख दूंगा। तुम्हें मुझे मात्र एक शत्रु दिखाई दे रहा है, वो शत्रु जिसने महादेव की शक्ति को ललकारा है। तुम्हें तो अवश्य पराजित करूंगा मैं, अवश्य। युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई है। युद्ध भक्त और भगवान के मध्य एक प्रचंड रण।
यदि नंदी और वीरभद्र दोनों ही हनुमान को पराजित करने में असमर्थ रहे तो दुर्भाग्यवश मैं उससे युद्ध करने के लिए विवश हो जाऊंगा। मेरी क्रोधाग्नि भस्म करेगी तुम्हें वीरभद्र, जिसका जन्म ही महादेव की क्रोधाग्नि से हुआ है, उसे तुम्हारा क्रोध क्या भस्म करेगा हनुमान? हनुमान की अपार शक्ति को खंडित करना ही होगा। प्रभु की शक्ति किसी से पराजित नहीं हो सकती। तीव्र गति से वार करूंगा हनुमान पर। इतनी गति का संचार कर प्रहार करूंगा हनुमान पर कि वो अपना बचाव ना कर सके। नंदीजी बढ़े आ रहे हैं इतनी तीव्र गति से। वीरभद्र नंदी शिवगामी सब हूँ शंकर गण बलशाली, युद्ध महसम्मुख श्री त्रिलोचन संकट पाए। दोनों महायोद्धाओं के प्रकोप से कोई भी हनुमान की रक्षा नहीं कर सकता। अब तुम्हारी पराजय निश्चित ही है, तो व्यर्थ में युद्ध क्यों कर रहे हो हनुमान? अश्वमेध यज्ञ का अश्व तो तुम खो चुके हो, और तुम्हारी सेना के वो दो महायोद्धा धूल धूसरित हो चुके हैं। तुम्हारा वो राजकुमार पुष्कल हताहत हो गया है, और तुम्हारा राजकुमार शत्रुघ्न रणभूमि में आहत होकर मूर्छित पड़ा है। हर हर महादेव।
हनुमान, शीघ्र तुम भी अपने दोनों महान योद्धाओं के समान दयनीय अवस्था में होगे। अपना शीश इसके हाथों में नहीं आने दूंगा मैं। अपनी पराजय स्वीकार कर लो हनुमान, टेक दो घुटने। मेरे महादेव के महारुद्र रूप में वीरभद्र तुम्हारे समक्ष काल बनकर खड़े हैं हनुमान। अपने उद्देश्य में तो असफल ही हो चुके हो तुम हनुमान, इसलिए वैसे भी तुम्हारे जीवित रहने का कोई भी कारण शेष नहीं है। यही सही अवसर है हनुमान पर घातक वार करने का। योद्धा वही सफल हो सकता है जो अंतिम क्षण तक प्रयास ना छोड़े और किसी अन्य की बातों में ना आए।